अस्सलाम वालेकुम। आज मैं, ये हमारी शाम की रूटीन है। आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ खड़ा कीमा, खड़े प्याज मसाले का कीमा बना रही हूँ। मैंने एक कीमा पहले बॉईल कर लिया है, इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला और एक टमाटर, एक छोटी सी प्याज और लहसुन डाल के और आधी चम्मच जितनी भी आपके रिक्वायर्ड है ना नमक डाल के इसको बॉईल कर लें ताकि सब मसालों का टेस्ट अंदर आ जाए। अब मैंने इसमें से ये बे लीफ जो थोड़ा सा डाला था उसको रिमूव कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। ये टमाटर का जो छिलका मैंने वो, बाकी लहसुन है इसमें, और इसमें जो बड़ी इलायची वो भी इसमें से निकाल लूँगी मैं। पैन में ऑयल, ड्राई सब्ज़ी जो या गोश्त तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेता है, इसमें ऑयल डालूँगी। आधी चम्मच मैंने जीरा डाल दिया, इसमें अब मैं थोड़ा सा तेज आंच पे, ये बीफ कीमा है उसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी जीरे के साथ, और इसमें जो तो प्याज और टमाटर थोड़ा थोड़ा डाला हुआ था उसके साथ ही लहसुन भी, मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी चार से पांच, और थोड़ा सा ये अदरक जूलियन कटा हुआ, और ये मैंने थोड़ी सी प्याज के क्यूब्स और टमाटर के क्यूब्स रखनी है, और हरी मिर्चों के साथ फ्राई कर लेती हूँ। ये मैं नमक के साथ उबाला था इसलिए मैंने नमक नहीं डाला, इसको थोड़ा सा मैं भुनने दूँगी, लिड लगा दूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो यखनी है ज़रा ड्राई हो जाए। हल्दी पाउडर, ये दड़ा मिर्च है, लाल दड़ा मिर्च, और ज़ीरा पाउडर, बेहतर है कि ज़ीरे को आप रोस्ट करके हल्का सा ड्राई रोस्ट करके उसको पीस लें, इसकी खुशबू वो और ज़्यादा निकल आती है। थोड़ी सी इसमें यखनी का डालें फिर भुनाइएगा ताकि मिर्चें वगैरह भी सारी कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएं। थोड़ी सी यखनी इसकी बचेगी, वक्फे वक्फे से इसको साथ ऐड करते रहें, साथ भुनाई करते रहें, इससे आपको बहुत अच्छा फ्लेवर मसालों का और चीज़ों सब सब्जियों का निकल आएगा। अब इसको टिक लिड लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 से 7 मिनट, फिर हटा के इसकी बुनाई करेंगे। ये इसमें थोड़ी सी यखनी ऐड की थी इसमें बुनाई करने के बाद, ताकि सारे मसालों का टेस्ट इसके अंदर चल, नमक मिर्च का और हल्दी वगैरह का सबका गोश्त में चला जाए। अब ये हल्की सी इसमें अभी यखनी है, और इस टेस्ट में मैं इसमें ये टमाटर, प्याज और ये अदरक शामिल कर दूँगी। रेड पेपर क्रश करके डालनी, पाउडर नहीं डालना आपने, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें जितनी आपको चाहिए। मैंने तो हाफ टी स्पून डाली, अगर कम हुई तो फिर और ऐड कर लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके 2 से 3 मिनट को स्टर करेंगे, उसके बाद मैं ज़रा इसको दम लगा दूंगी। मामा इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, मसालों की और ज़ीरा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन अब तैयार है, बिल्कुल भी मैं खड़ा नहीं रखती, हल्का हल्का सा नज़र आए कुछ थोड़ा सा नरम हो जाए। इसके साथ मैं ये पीनट कोरिएंडर चटनी बनाने लगी हूँ, इसमें मैं ये डालूँगी 2 से 3 पत्ते मैंने पालक के इसमें डाल रही हूँ, छोटे बेबी पालक के हैं ना, छोटे छोटे पत्ते हैं ये, पुदीना और धनिया सॉरी हरी मिर्चें, तो थोड़ा सा नमक, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें लेमन जूस भी जाता है लेकिन आज मेरा ख्याल लेमन जूस मेरे पास फ्रेश नहीं है।
मैं इसमें ये एक वो डाल दूंगी, एक टमाटर डाल रही हूँ, हालांकि मैं डालती नहीं हूँ जो पीनट्स के साथ बनाऊँ मैं। और ये इसे मैं मूंगफली डालूंगी, तकरीबन एक टेबलस्पून भर के, है ना। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन अब वो अर्जेंट इतना मैं उसको पल्प बनाने में टाइम लगाऊं, इसलिए मैंने इसमें एक टमाटर डाल लिया। अब इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये आज हमारी नाइट रूटीन है, और साथ मैंने इसके वो बीफ यखनी भी बनाई है, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने सेंड नहीं की। थोड़ी सी इसमें मैं चीनी डालूंगी, अपने जितना आप इसमें खट्टा ऐड किया है उस हिसाब से डालेंगे, थोड़ी सी खट्टी मीठी बने। तो मैंने वो खट्टा बस एक टमाटर ही यूज़ किया है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी। ये लिए बीफ खड़े मसाला, और ये पीनट चटनी, एंड ये बीफ सूप, और साथ ही ब्लैक पेपर है, एज यू रिक्वायर्ड के जैसे आप डालना चाहें, जितनी आप इसमें ऐड करना चाहें। एंजॉय करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मान बुरी बात बते। पानी नहीं भी आपने।